1947 के पार्टीशन की तीन प्रेम कहानियां दर्शाता शो क्यों उत्थे दिल छोड़ा इन दिनों काफी लाइमलाइट में बना हुआ है। शो में जिस प्रकार से 1947 के पार्टीशन का रूपांतरण किया गया है उसे हर टीवी फैन शो को देखने पर मजबूर हो गया है। शो में जिस प्रकार से ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए जा रहे हैं उसे ऑडियंस इस शो को खूब इंजॉय कर रही है। हाल ही में हुए पार्टीशन वाले सीन्स ने ऑडियंस को हिला के रख दिया जिसके कारण अब शो से तीन एक्टर्स की विदाई हो चुकी है। अवतार गिल जो कि शो में रतन किशोर सहनी यानी कि अमृत के फादर का रोल कर रहे थे उनकी अब शो से विदाई हो चुकी है। इसके अलावा गीता त्यागी भी नजर नहीं आएंगी जो कि अमृत की मदर का रोल कर रही थी। संदीप गोयल की भी शो से विदाई हुई है जो कि शो में सरफू मियां का रोल कर रहे थे। इन तीनों को ही पार्टीशन के दौरान मार दिया जाता है। अब शो में एक नए एक्टर की एंट्री होने जा रही है, वो एक्टर है कुणाल जयसिंह। कुणाल जयसिंह इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर है। कुणाल जयसिंह को इश्कबाज सीरियल में निभाई गई ओंकर ओबराय की भूमिका के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कुणाल जयसिंह पवित्र भाग्य, डोली अरमानों की और दाबड़ी प्रोजेक्ट जैसे सीरियल्स में भी दिखाई चुके हैं। अब कुणाल जयसिंह क्यों उत्थे दिल छोड़ा है सीरियल में नजर आने वाले हैं। शो में उनका रोल काफी अहम होगा जो कि लव ट्रायंगल बनाते नजर आएंगे। ये और किसी जोड़ी के बीच नहीं बल्कि अमधीर यानी कि अमृत और रणधीर की जोड़ी के बीच ही आएंगे। हालांकि अमृत और रणधीर दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बड़े बड़े एक्टर्स की एंट्री करवाई जा रही है। इसके अलावा शो में हाल ही में चारू असोपा की भी एंट्री हुई थी जो इसमें जोराबाई का एक छोटा सा कैमियो रोल करती दिखाई दी थी। अब कुणाल जयसिंह की एंट्री शो में क्या नया ट्विस्ट लेकर आएगी ये देखने वाली बात होगी। आप कुणाल जयसिंह को शो में देखने के लिए कितने एक्साइटेड है हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।